गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सुबह के बजे हैं 7 और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मेरा अब। तो गाइस, मैं चाय बना के ले आई हूँ, नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और शगुन के पापा को भी दे दी मैंने चाय। शगुन अंदर पढ़ाई कर रही है, वो बैठे हैं उनके साथ, तो इसलिए मैं बाहर आ गई बोलने के लिए। तो उसका पेपर है, 2 बजे से पेपर है शगुन का आज, तो वो उठ गई थी जल्दी आज सुबह। तो चाय पी लेते हैं गाइस। तो गाइस, दिन का बज गया है 1:30 और मेरा भी सारा काम हो चुका है। शगुन भी चले गए हैं अभी अभी पेपर देने, उसका है 1:40 से पेपर है और अभी भी उसके पापा गए हैं छोड़ने। तो गाइस, मैंने आज ना इतने सारे कपड़े धोए, मशीन लगा रखी थी मैंने, देखना इतने कपड़े यहाँ पे रखे हैं मैंने धो के, अब सुखाने हैं। और एक बार के कपड़े यहाँ पे हैं, अब मैं इनको सुखा के आती हूँ छत पे, फिर उसके बाद बनाती हूँ लंच। हाय गोरांच, क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, कुछ तो कर रहे हो। दीदी कहाँ है? दीदी टुट्टो कहाँ है? टुट्टो नीचे। बाय। देखना, आज हर्षू ने यहाँ पे सारे कपड़े सुखा रखे हैं नीचे, तार भी सारे नीचे लटक रखे हैं, तो मैं भी देखती हूँ कहाँ पे सुखाऊं। तो गाइज, आज लंच में बना रही हूँ मैं भट के डुबके, मैंने भट भिगा रखे हैं, तो इनको पहले वॉश करते हूँ। ये ना मैंने 2-3 घंटे पहले ही भिगाए थे, तो भीग तो चुके हैं, अगर रात को भिगाते ना और भी अच्छे भीग जाते हैं। चलो उनको वॉश करती हूँ, फिर मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो गाइस, मैंने इसको जार में रख दिया है और अब मैं इनको पीस दूंगी। मैंने इसमें ना वो डाल दिया लहसुन और अदरक, मैंने नीचे से डाल दिया, मैं वीडियो नहीं बना पाई उस चीज़ की, और ऊपर से मैंने भट डाल दिए, उनको भी साथ में पीस लेना आप लहसुन वगैरह। तो अब पीस देती हूँ और तब तक यहाँ पे हो रहा है तेल में, तेल डाल दिया मैंने, ये गर्म हो रहा है, तब तक इसको पीस लेती हूँ। ये देखना गाइज, यहाँ पे भट के डुबके पक रहे हैं, क्या मस्त। ये देखना, ये मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई में बना रखे हैं ना, अगर ये लोहे की कढ़ाई में होते ना तो और भी अच्छे, मतलब मैं थोड़ा कलर चेंज हो जाता है इसमें, थोड़ा कलर इसका अजीब सा लग रहा है ना थोड़ा। हल्दी मैंने चुटकी भर डाली, वैसे हल्दी डालती तो ये येलो येलो हो जाती, तो फिर येलो भी ये अच्छे नहीं लगते, और वैसे ये वाइट वाइट से हो जाता, फिर वाइट और अच्छा नहीं लगता, तो मैंने चुटकी भर हल्दी डाल दी इसमें। और वैसे ये लोहे की कढ़ाई में अच्छे बनते हैं, तो लोहे की कढ़ाई थी तो मेरे पास, पर मैंने वो यूज नहीं की, इसी में बना दी मैंने। और यहाँ बन रहे हैं चावल, ये देखना, तब तक चावल वॉश करके चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो गाइस, खाना रेडी हो चुका है, ये बन गए हैं डुबुक, क्या मस्त। और चावल में भी सीटी आ चुकी है, और ये काट दिया मैंने मूली का सलाद, इसमें डालूंगी अब 1 गाँव का पिसा हुआ नमक। तो लंच भी करते हैं, अब 2:30 बज चुका है। तो गाइस, बन चुके हैं भट के डुबके, और फर्स्ट क्लास कोरनी लगी है इधर उधर से, ये देख सकते हो आप, ऊपर से मलाई है, इधर उधर से कोरनी है, और चावल भी बन चुके हैं, और तो खाना खाते हैं अब। तो गाइस, ये रही आज की लंच की थाली हमारी, मूली का सलाद और चावल
और भटके डुबके। तो गाइज करते हैं लंच। सगुन आ चुकी है स्कूल से, ये छुप गई है, पता नहीं क्यों छुपी है, पर मेरा कैमरा भी ऑन रहेगा। पहले आती तो आधी आती, अब पूरी आ गई है। शाम की चाय भी बन गई है, चाय बन रही है आज काली चाय, मसाले वाली, काली मिर्च का मसाला है इसमें। तो आज ऐसी चाय पीने का मन कर रहा है, तो आज हम ये वाली चाय पियेंगे। काली दिख रही है, तो गाइज रात के बज गए हैं 7 और हमारी दूसरी टाइम की भी चाय चल गई है। तो गाइज सगुन के पापा होते हैं ना घर पे, तो इनके साथ मैं पी लेती हूँ चाय, वरना ये जब गांव गए थे ना मैंने चाय पी सिर्फ ग्रीन टी पी रही थी सुबह के टाइम बस, और अभी भी हाँ वो काली वाली चाय पी है, मसाले वाली दोनों ने वही वाली चाय पी, दूध वाली नहीं पी। अब गर्मी स्टार्ट होने लग गई ना तो मन नहीं कर रहा अब चाय चुई पीने का, तो इनके साथ थोड़ा बहुत पी लेती हूँ मैं फिर भी इनका साथ देने के लिए। तो यार मैं कपड़ों की तह लगा रही थी यहाँ पे, अब उठती हूँ यहाँ से, अब सब्जी का देखती हूँ क्या सब्जी बनानी है रात को। गाइस अब रात की सब्जी देखती हूँ, ये मैंने शिमला मिर्च धो रखी थी, शिमला मिर्च ये देखना ये पक गई है। कल चौमिन लेके आना है यार, चौमिन बनाएंगे है, चौमिन लेके आना। कैप्सिकम भी पड़े हैं, पत्ता गोभी भी पड़ी है, और यहाँ देखते हो क्या क्या सब्जी है। ये थी मूली और गोभी निकालती हूँ, गोभी ये गोभी ना जब सगुन के पापा गांव गए थे तब रखे गए थे हमारे लिए, हमने खाई नहीं है, ऐसी की ऐसी पड़ी है गोभी। अब मिक्स सब्जी बनाती हूँ, इस पर थोड़ा पालक रखा है मैंने, और यहाँ आलू, और देखना यहाँ क्या बना रखे हैं राज ने, मालपुए चिल्ला बना रखा, चिल्ला। ये देखना गाइस मिक्स सब्जी में क्या क्या है, ये रही गोभी, थोड़ी सी गोभी काटूंगी, और ये काटूंगी मूली, और एक आलू, और एक शिमला मिर्च, कैप्सिकम शिमला मिर्च काटूंगी। देखना ये काट दिया मैंने मिक्स सब्जी, और तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें डाल रखा है मैंने रिफाइंड ऑयल। अब इसमें डालती हूँ मेथी दाना, चटक गया है, डाल दिया प्याज इसमें, तो देखना प्याज हो चुका है, इसमें डालूंगी टमाटर, टमाटर के साथ ना मैं ये डाल दूंगी खाने, मसाले सबसे पहले डालेंगे नमक, और डालेंगे हल्दी,
मिर्ची, थोड़ा धनिया पाउडर, जीरा और धनिया पाउडर, थोड़ी गरम मसाले भी ऐड कर रखे हैं मैंने इसके लिए। और हम ज़्यादा गरम मसाले खाते नहीं हैं, हर कोई सब्ज़ी में नहीं खाते, मतलब कई कई सब्ज़ी में जैसे छोले राजमा वगैरह में उसमें मैं खड़ा मसाला डालती हूँ, मोटी इलायची वगैरह। तो बाकी हम ऐसे सिंपल नॉर्मली सब्ज़ी बनाते हैं। तो इसमें मैं पानी डालूँगी, थोड़ा ऐसे मिक्स करके इसमें ऐसे ढक्कन लग दूँगी, तो उसको हल्के आँच में रख दूँगी, तब तक आटा गूंथ देती हूँ। तो गाइस बन चुकी है मिक्स सब्ज़ी, तो देखते हैं अच्छी बनी है। मैंने अच्छे से मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था इसमें, और देखते हैं ये बिल्कुल तेल में ही बनी थी, भाप से पकी थी ये, अच्छे से गल चुकी है। और इसमें ना गोभियाँ भी टूटती नहीं है, ऐसी तरस तरस रह जाती है। तो अब बनाती हूँ रोटी, आटा भी मैंने लगा लिया है ये, और तवा गरम करने लग दिया। तो अब बना देती हूँ रोटियाँ भी, इसका गैस बंद कर देती हूँ। तो गाइस ये जी मिक्स सब्जी, और ये है दही, रोटी भी बन चुकी है, तो आप खाना शुरू करते हैं। हाय गाइस, ये मैं हूँ और ये मेरी सब्जी है और मैं खाना खा रही हूँ। अरे तो गाइस आज गली में शांति है, सबके पाइप के कनेक्शन लग चुके हैं, और रात के बज गए हैं 10:30। तो गाइस रात के बज गए हैं 10:30, और हमने खाना भी खा लिया है। तो आज ना गली में बड़ी शांति है, क्योंकि सबके कनेक्शन लग चुके हैं, और अब कोई शोर नहीं मच रहा है। मतलब मैं कल तो इतना ऐसे मचा हुआ था ना, सुबह भी ऐसे ही हो रहा था बहुत ही, तो अभी शांति है, मतलब मैं अच्छा लग रहा है। हमारा फर्स्ट फ्लोर है ना, तो ये और भी इतनी गली का शोर इतना आता है, बहुत ही शोर आता है, तो इरिटेट हो जाते हैं हम इस शोर से। तो गाइस हमने खाना भी खा लिया है, और बर्तन वगैरह भी धो लिए मैंने, तो अब मैं वीडियो को करूँगी एंड। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो कल फिर मिलूंगी आप लोगों को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो गाइस अब खाएंगे फ्रूट, फ्रूट में है अंगूर और एक संतरा, बस इतना ही है।